हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास ट्वेल्थ और योर चैप्टर इज इंडिगो। प्रिय विद्यार्थियों, आपके इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन बात करते हैं यहां बचे हुए क्वेश्चंस की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज फिर यहाँ बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके डियर्स, चलिए अपनी कॉपी निकालिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। इंडिगो चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन मीन्स समझाइए इन यूअर ओन वर्ड्स, आपके स्वयं के शब्दों में, हाउ राजकुमार शुक्ला कन्विंस्ड गांधी जी टू प्रोसीड टू चंपारण। ये बताइए, ये समझाइए कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण चलने के या जाने के लिए कैसे राजी किया। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण से गरीब किसान था, ही वॉज ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, ही मेट गांधी जी इन 1916, वो गांधी जी से 1916 में मिला था। एट लखनऊ, कहाँ? लखनऊ में। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू कम टू चंपारण चलने का उसने प्रार्थना की थी। He wanted Gandhi to see the plight of the sharecroppers in चंपारण में बटाईदार किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए उसने प्रार्थना की थी। गांधी जी वाज बिजी
एट दैट टाइम उस समय गांधी जी व्यस्त थे, ही हैड सेवरल अपॉइंटमेंट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के बहुत से भागों में उनके पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे। बट राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर। He never left Gandhi's side for weeks। कई सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा था। जहां भी जाते थे गांधी जी के पीछे पीछे चले आते थे। देन ही वेंट टू हिज आश्रम एंड रिक्वेस्टेड गांधी टू फिक्स ए डेट। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज रिसोल्यूशन। लिखिए, ज़्यादा बेटर शब्द है। उसके दृढ़ निश्चय से गांधी जी बड़े प्रभावित हुए थे। किसके दृढ़ निश्चय से? राजकुमार शुक्ला के दृढ़ निश्चय से गांधी जी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सो गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही वुड बी इन कैलकटा ऑन सच एंड सच ए डेट, फला फला तारीख को वह कलकत्ता में होंगे। सो शुक्ला अप्रोच्ड देयर एंड टुक गांधी जी टू चंपारण। और गांधी जी को कहाँ ले गया? चंपारण ले गया। ये आपका आंसर है, बड़ा आंसर है इसका। 120-125 शब्दों में इसका जवाब देना होता है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करवाता हूँ। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने स्वयं के शब्दों में समझाइए हाउ राजकुमार शुक्ला कन्विंस्ड गांधी जी। राजकुमार शुक्ला ने कैसे कन्विंस्ड माने राजी किया, मनाया, परसुएडेड गांधी जी को टू प्रोसीड माने चलने के लिए, टू चंपारण। कहाँ? चंपारण। चंपारण चलने के लिए कैसे राजी किया, कैसे मनाया?
राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पीजेंट। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था फ्रॉम चंपारण। कहाँ से? चंपारण से। ही वॉज ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, वह दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। ही मेट गांधी जी, वह गांधी जी से मिला इन 1916 एट लखनऊ। लखनऊ जो कांग्रेस पार्टी का कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन था, उसमें वो मिले थे। प्यारे बच्चों, आप ये टाइम पीछे भी लिख सकते हो। वैसे टाइम पीछे ही आता है, यहाँ पहले इसलिए लिखा है क्योंकि इस सेंटेंस में एम्फेसाइज जो किया है, जोर डाला गया है, वो समय पर डाला गया है कि गांधी जी से राजकुमार शुक्ला कब मिला था। सो आंसर इज 1916 में मिला था। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में मिला था। ही रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की गांधी जी से टू कम चलने की टू चंपारण। ही वांटेड, वह चाहते थे गांधी टू सी गांधी जी, देखें द प्लाइट माने दुर्दशा, लिख सकते हो आप, ऑफ द शेयर क्रॉपर्स माने बटाईदार किसानों की दुर्दशा इन चंपारण। कहाँ? चंपारण में। किसानों की दुर्दशा को देखो। गांधी जी वॉज बिजी, गांधी जी व्यस्त थे। एट दैट टाइम, उस समय, ही हैड सेवरल अपॉइंटमेंट्स, उनके कई पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से भागों में। बट राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम, लेकिन राजकुमार शुक्ला उसके पीछे पीछे गया। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। ही नेवर लेफ्ट, उसने कभी नहीं छोड़ा गांधी साइड, गांधी जी के साथ। फॉर वीक्स माने कई सप्ताह तक गांधी जी के साथ नहीं छोड़ा था। देन उसके बाद ही वेंट हिज आश्रम, वेंट वे गए थे टू हिज आश्रम, वेंट टू हिज आश्रम, उसके आश्रम गए। एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की गांधी से टू फिक्स ए डेट, एक तारीख सुनिश्चित करने के लिए। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड, गांधी जी प्रभावित हो गए थे बाय हिज रिसोल्यूशन, उसके दृढ़ निश्चय से। सो गांधी जी टोल्ड हिम, इसलिए गांधी जी उनको बताया, दैट ही वुड बी इन कलकत्ता, वे कलकत्ता में रहेंगे, नाउ इज नॉन एज कोलकाता, ऑन सच एंड सच ए डेट, फला फला तारीख को। सो शुक्ला अप्रोच देर, से शुक्ला वहां पहुंच गया एंड टुक गांधी जी, और गांधी जी को ले गया टू चंपारण। कहाँ? चंपारण। ओके डियर्स, ये आपका हो गया। चलिए इसी के साथ मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करते हुए भी, या स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट के बजाय आप नोटबुक में उतारें तो ज़्यादा बेटर है। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको अच्छे से मिटा देता हूं जिससे कि आपको अक्षर अच्छे से नजर आए। ओके, क्योंकि आप डायरेक्ट तो पूछ ही नहीं पाओगे, ऑफलाइन क्लास थोड़ी है। मेहनत कीजिए, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर कुछ प्रॉब्लम को भेज सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इफ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट, एनी वन हु इज वॉचिंग द वीडियो कैन सेंड मी ए मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, लेकिन प्रॉब्लम हो तो, बिना प्रॉब्लम के नहीं भेजना है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी ट्रांसलेशन कराना हो किसी भी सेंटेंस का, या कोई भी सेंटेंस ऐसा लगता हो कि सर इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, ये आपके सिलेबस से संबंधित हो या विदाउट सिलेबस, आपका कोई मिलने वाला भी हो, चाहे वो 12th क्लास पढ़ रहा हो, ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा हो, RAS या IAS में भी ये इंग्लिश ग्रामर आती है, उससे संबंधित, इसके अलावा भी जो लिटरेचर से संबंध रखते हैं, तो जो बच्चे, ये कंपलसरी, वी आर स्टडिंग कंपलसरी इंग्लिश, लेकिन लिटरेचर से संबंध रखते हैं
वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। ओके डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड गांधी जी हेल्प, हाउ डिड गांधी जी हेल्प, गांधी जी ने कैसे सहायता की, द पीजेंट्स इन चंपारण। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है। 2018 का जो बोर्ड मॉडल पेपर आता है, बोर्ड पैटर्न का ब्लूप्रिंट पर आधारित, उसमें एक क्वेश्चन है मॉडल पेपर, तो उसको आपको इसके ढंग से याद करना है, ढंग से इसको समझना है। द पीजेंट्स ऑफ चंपारण वर बाउंड, चंपारण के किसान बंधे हुए थे अंडर ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। विद्या ब्रिटिश प्लांटर्स, अंग्रेज जमींदारों के साथ किसी प्राचीन व्यवस्था के अधीन बंधे हुए थे। दे फोर्स देम टू प्लांट 320th और 15% of their land and forced them to surrender the entire इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, किराए के रूप में पूरी फसल को जमा करवा लेते थे। गांधी जी थॉट विद फुल माइट, गांधी जी पूरी ताकत से लड़े। अगेंस्ट द इनजस्टिस अन्याय के विरुद्ध, डन बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो अंग्रेज जमींदारों के द्वारा किया जाता था। By the British landlords, अंग्रेज जमींदारों के द्वारा। Under Gandhi's leadership, गांधी जी की लीडरशिप के अधीन द शेयर क्रॉपिंग
बटाईदार खेती सिस्टम वॉज फुल्ली एबोलिश्ड, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी वर्कड to improve गांधी जी ने काम किया था to improve सुधारने के लिए the social and educational system in चंपारण। स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, 6 गांवों में स्कूल खोल दिए गए थे। ही प्रोवाइडेड थ्री मेडिसिंस टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण। चंपारण में स्वास्थ्य की स्थितियों को सुधारने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। ओके, ही ट्राइड टू मोल्ड ए बोल्ड इंडियन Who can free our country from the British rule? उन्होंने ऐसे भारतीयों को बनाने का प्रयास किया था, निर्माण करने का प्रयास किया था, ढालने का प्रयास किया था, जो ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन से भारत को आज़ाद करा सके। ओके डियर्स, चलिए, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण। गांधी जी ने चंपारण में किसानों की सहायता कैसे की? द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, चंपारण के किसान वर बाउंड, बंधे हुए थे अंडर ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे समय के अनुबंध के अधीन विद द ब्रिटिश प्लांटर्स, मान अंग्रेज जमींदारों के साथ। दे फोर्स्ड, वो जमींदार जोर देते थे देम, उनको टू प्लांट बोने के लिए 3/20 भाग पर और 15% या 15% भाग पर ऑफ देयर लैंड, उनकी ज़मीन का। एंड फोर्स देम, उनको जोर देते थे टू सरेंडर, समर्पित करने के लिए द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, संपूर्ण नील की फसल को एज रेंट किराए के रूप में। गांधी फोर्ट, गांधी लड़े विद फुल माइट, पूरी ताकत से अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध, डन बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो अंग्रेज जमींदारों द्वारा किया जाता था। अंडर गांधी लीडरशिप, गांधी जी के लीडरशिप के अधीन, नेतृत्व के अधीन, द शेयर क्रॉपिंग, बटाईदार कृषि व्यवस्था वाज फुल्ली एबोलिश्ड, माने पूरी तरह से उन्मूलित हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। गांधी जी वर्ग, गांधी जी काम, गांधी जी ने काम किया था टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए द सोशल, सामाजिक एंड एजुकेशनल सिस्टम
और शैक्षणिक प्रणाली, शैक्षणिक तंत्र इन चंपारण में। स्कूल्स, विद्यालय वर ओपन खोल दिए गए थे इन 6 विलेज माने 6 गांवों में ही। प्रोवाइडेड वे प्रदान करते थे, ये उन्होंने प्रदान की थी 3 मेडिसिंस माने 3 दवाइयाँ टू इम्प्रूव सुधारने के लिए द हेल्थ कंडीशन माने स्वास्थ्य की स्थितियाँ इन चंपारण में। ही ट्राइड, उसने कोशिश की टू मोल्ड माने बनाने की ए बोल्ड इंडियन, एक साहसी भारतीय हु कैन फ्री, जो आज़ाद कर सके आवर कंट्री, हमारे देश को फ्रॉम द ब्रिटिश रूल माने अंग्रेज शासन से, एक ऐसे भारतीय बनाने की सभी जगह पूरे देश में ऐसे भारतीय बनाने का प्रयास किया था कि सभी भारतीयों में एक ताकत हो, एक साहस हो, एक बहादुरी की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, ये उन्होंने किया था। मैं आशा करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वर द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध की बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स देखिए पहले ही कई बार आ चुका है, लेकिन अभी ये बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि टर्म्स और कंडीशंस क्या थी दोनों के बीच में। चलिए लिखिए, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान कौन थे, शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार किसान थे, दे हैड टू प्लांट ऑन 15% ऑफ द लैंड, जमीन का 15% बोना पड़ता था, दे हैड टू सरेंडर द एंटायर
इंडिगो हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, किराए के रूप में वो जमा कर देते थे, दे देते थे। द सिस्टम, यह तंत्र यानी बटाईदार कृषि व्यवस्था वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स बट दे वर हेल्पलेस, लेकिन वो कैसे थे, असहाय थे, हेल्पलेस थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। देन इट वॉज नोन दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो नाउ द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो वर बाउंड टू गो डाउन मिस्टर गांधी फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस द ब्रिटिश प्लांटर्स abandoned their estates and the land was reverted to the peasants and indigo sharecropping was disappeared। और नील की बटाईदार कृषि क्या हो गई बच्चों, गायब हो गई, आपको नजर आ रहा होगा, डिसअपीयर। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। व्हाट वर द ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या पुरानी टर्म्स एंड कंडीशंस शर्तें थीं ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माने अनुबंध की बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध एंड द पीजेंट्स और किसानों के विरुद्ध। आंसर बच्चों, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अधीन, अंडरवन के अधीन, द चंपारण पीजेंट चंपारण के किसान वर शेयर क्रॉपर्स बटाईदार किसान थे। दे हैड टू प्लांट, उनको बोना पड़ता था ऑन 15% 15% पर ऑफ द लैंड, जमीन का। दे हैड टू सरेंडर, उन्हें समर्पित करना पड़ता था द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, संपूर्ण नील की फसल, टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अंग्रेज जमींदारों को एज रेंट, किराए के रूप में। द सिस्टम, यह तंत्र, यह प्रणाली कौन सी, बटाईदार कृषि प्रणाली वॉज इर्कसम,
कष्टकारक थी टू द पीजेंट्स किसानों को, बट देवर हेल्पलेस, लेकिन वो असहाय थे। देन इट वॉज नोन, तब ये जाना गया था दैट की जर्मनी हैड डेवलप्ड, जर्मनी ने विकसित कर लिया था सिंथेटिक इंडिगो, रासायनिक नील। नाउ द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो, अब प्राकृतिक नील की कीमतें वर बाउंड टू गो डाउन, बंधी हुई थी, टू गो डाउन माने कम होने के लिए। मिस्टर गांधी फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस, श्रीमान गांधी फॉट, लड़े अगेंस्ट द इनजस्टिस माने अन्याय के विरुद्ध। द ब्रिटिश प्लांटर्स, अंग्रेज जमींदारों ने अबंडन मन छोड़ दिया, त्याग दिया देयर एस्टेट्स, अपनी जागीरें, एंड द लैंड वाज रिवर्टेड, और जमीन को वापस दे दिया गया था टू द पीजेंट्स किसानों को। एस और लगा लो। एंड इंडिगो शेयर क्रॉप, नील की बटाईदार कृषि वॉज डिसअपियर्ड, माने क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। चलिए मैं मिटाता हूं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये बड़े क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ओके डियर्स, मैं अच्छे से मिटा देता हूँ जिससे कि आपको नजर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द चंपारण एपिसोड। चंपारण एपिसोड, ऑन द पीजेंट्स एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, किसान और अंग्रेज जमींदारों पर चंपारण की घटना का क्या प्रभाव था। द चंपारण एपिसोड चंपारण की घटना ने मेड एन इंपैक्ट, एक प्रभाव डाला था ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जी बड़ा भी बना सकते हो आप कैपिटल में, दैट नाउ इंडियंस वुड नॉट बो, भारतीय अब नहीं झुकेंगे। फॉर एक्सप्लोइटेशन एंड इनजस्टिस, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अब नहीं झुकेंगे। द ब्रिटिश प्लांटर्स हैड टू रिलीज द पीजेंट्स
किसानों को मुक्त करना पड़ा, ये दी है। किसानों को मुक्त करना पड़ा फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट से, शर्त से, इस अनुबंध से, आफ्टर द एपिसोड, इस घटना के बाद, द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडंड देयर एस्टेट्स एंड द एस्टेट्स और जागीरें वर रिवर्टेड, लौटा दी गई थी, टू द इंडियन पीजेंट्स, भारतीय काश्तकारों को लौटा दी गई थी। नाउ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वाज डिसअपीयर्ड विद द एपिसोड, द पीजेंट्स लर्न्ड करेज, किसान साहस सीख गए थे, दे न्यू द पावर ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत को जो जान गए थे, दे रियलाइज दैट दे टू हैड राइट्स, नाउ दे हैड करेज, टू फाइट फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों को के लिए लड़ने को वो अब साहस सीख चुके थे। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे अगले चैप्टर के साथ मैं पढ़ाऊंगा उसको पहले, लेकिन इसका हिंदी ट्रांसलेशन पहले समझते हैं। अगला चैप्टर भी आपका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। चलिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना का क्या प्रभाव था ऑन द पीजेंट्स, मन किसानों पर, एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और अंग्रेज जमींदारों पर। द चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना ने मेड एन इम्पैक्ट, एक प्रभाव डाला था ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार पर, दैट की नाउ इंडियंस वुड नॉट बो डाउन, कि अब भारतीय झुकेंगे नहीं फॉर एक्सप्लोइटेशन, शोषण के लिए, इनजस्टिस अन्याय के लिए। द ब्रिटिश प्लांटर्स, अंग्रेज जमींदारों को हैड टू लीज, मुक्त करना पड़ा, छोड़ना पड़ा द पीजेंट्स, माने किसानों को, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, किससे, अनुबंध से, जो अनुबंध उन्होंने बनाया था उस अनुबंध से उनको मुक्त करना पड़ा, अनुबंध छोड़ना पड़ा।
आफ्टर द एपिसोड इस घटना के बाद द ब्रिटिश प्लांटर्स अंग्रेज जमींदारों ने अबंडन्ड माने त्याग दिया, छोड़ दिया देयर एस्टेट्स अपनी जागीरें, एंड द एस्टेट्स और वही जागीरें वर रिवर्टेड वापस दे दी गई थी टू द इंडियन पीजेंट्स भारतीय किसानों को। नाउ इंडिगो सेयर क्रॉपिंग ऑफ नील की बटाईदार कृषि वॉज डिसअपियर्ड गायब हो गई थी, समाप्त हो गई थी विद द एपिसोड इस घटना से। द पीजेंट्स लर्न किसानों ने सीख लिया था करेज मन साहस, दे न्यू वो जान गए थे द पावर ऑफ यूनिटी एकता की ताकत, दे रियलाइज उन्होंने महसूस कर लिया दैट दे टू हैड राइट्स उनके पास भी अधिकार थे। नाउ दे हैड करेज अब उनके पास साहस था टू फाइट लड़ने के लिए फॉर देयर राइट्स अपने अधिकारों के लिए। प्रिय विद्यार्थियों ये आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आशा करता हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। एक क्वेश्चन इसमें आपको स्वयं को करना है कि चंपारण की घटना कैसे गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थी, एक निर्णायक बिंदु थी, ये आपको करना है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी आपने कर भी लिया होगा। इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ और आपको भी मैं ये एनकरेज करता हूँ, ये प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, मेहनत में आप कोई कमी मत आने दीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों मेहनत के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प हम लेते भी हैं तो उससे हम कुछ गेन नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।